अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। तो अभी जो शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग ने जो असल में जाना है डॉक्टर के पास दवाई लेने, दोनों बच्चों की दवाई लेने, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चे जो है बीमार हो गए। आपको पता है बड़ी बेटी हानिया, वो तो उल्टी सी चीज़ें खाती रहती है, जो है ठंडे पानी पीती है, लस्सी पीती है, तो उसे जो है ना 2-3 दिन से खांसी हो रही थी। तो उसको मैं दवाई पिलाती रही, उसको तो थोड़ा बहुत आराम हो गया था, लेकिन फिर उसके जरासीम जो है उसको सुहान को भी लग गया। अब सुहान को भी जो है साथ में खांसी हो गई है, तो अब जो है हमें दोनों की दवाई लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं अभी दोनों की दवाई लेते हैं। नंबर जो फिरोज़ ने लगवा लिया था, और नंबर तो लगवा के आ गए दोपहर में, वो लोग 4 बजे आए, लेकिन अब जो टाइम असल में ज़्यादा हो गया। मैं जो सालन वगैरह पकाने लग गई थी क्योंकि घर में कोई नहीं था, मैंने कहा चलें जो है मैं सालन तो पका के रख जाऊँ, आटा गूंदूँ, तो अम्मी जब आएंगी वो रोटी पका लेंगी, मैंने तो फिर भी जाना है। तो उस काम करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई है, 5:30 बज गए। अब जो है मैं जा तो रही हूँ, लेकिन ये कि मैं सोच रही हूँ पता नहीं आगे डॉक्टर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान का महीना है और डॉक्टर ने भी अपनी टाइमिंग चेंज कर दी। पहले तो डॉक्टर 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक होते थे, लेकिन अब जो है वो भी अपनी जो है आखिरी इफ्तारी की जो है छुट्टी करेंगे। 6 बजे अब बंद होती है क्लिनिक, या ज़्यादा होती है ये पता नहीं है, लेकिन ये कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 6 बजने में सिर्फ 10-15 मिनट कम है, और हम लोग जो अभी घर से निकलेंगे और हमें जो रास्ते का भी टाइम लगना है। हम लोग जो दवाई लेने सिटी जा रहे हैं, सुहान की भी और हानिया की भी। कौन है? अच्छा वो, अच्छा चलो आदमी को जान दो, आप चलें वहाँ पे जो कज़न भी साथ जा रहे हैं फिरोज़ के, तो वो अपनी जो गाड़ियों का रास्ता बना रहे हैं। एक तो हमारी सड़क जो है छोटी है ना, तो दो गाड़ियों का एक साथ गुजरना थोड़ा मुश्किल है, तो अब एक गाड़ी पहले निकालनी पड़ेगी और दूसरी गाड़ी का रास्ता फिर बाद में बनेगा। तो खैर भैया को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, हानिया के लिए मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हम भैया को लेके जा रहे हैं ना, भैया को खांसी है ना, हम सुहान को लेके जा रहे हैं, सुहान को खांसी है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो है 5:00 बजे, आज जो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रमज़ान के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो है आज मौसम काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। तो मैंने कहा आज जो है हम लोग बाहर बैठ के कुकिंग करते हैं। वैसे तो मैं रमज़ान में अक्सर जो है कुकिंग ही करती आ रही हूँ, लेकिन हर बार जो है इफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ होता है। आज जो है मैंने शाम के सालन में बनाना है, तो सालन जो बनाना है वो तो मैं आपको दिखाई दूँगी कि क्या बना रही हूँ। उससे पहले तो थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। मैंने 2 दिन जो वीडियो नहीं डाली, इसमें थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं डाल सकी। तो अभी जो मैं कुकिंग कर रही हूँ ये है भिंडी, भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, और उसके साथ में है चिकन। तो चिकन और भिंडी हम लोग बना रहे हैं। चिकन और भिंडी को बनाने के लिए जो जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सब कुछ जो है मैं यहाँ पे ले आई हूँ। मैं इनका बाहर जो है बैठ के सुकून से जो है कुकिंग करेंगे और ठंडी ठंडी हवा के मज़े भी लेंगे। तो अभी जो यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं जो हमारी शाम की कुकिंग है, वो हम पकाते हैं सालन, और साथ साथ जो है आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि हमारे गाँव में जो है भिंडी और चिकन किस तरह से बनता है। वैसे हवा आज बहुत प्यारी, काफ़ी मज़ा भी आने वाला है कुकिंग करने में। तो चलें पहले शुरू की। सबसे पहले जो मैंने कढ़ाई ली है, आज की जो भिंडियाँ मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। वैसे तो अक्सर हम स्टील के बर्तन में बनाते हैं, लेकिन आप लोगों की भी कमेंट आते हैं कि शोर बहुत होता है वीडियो में, तो इसलिए मैंने सोचा आज जो मैं कढ़ाई ले आती हूँ, कढ़ाई में आज सालन बनाएंगे। तो सालन बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने ऑयल है, ऑयल लिया है कढ़ाई में, ये 2-3 चम्मचे हैं। तो पहले तो इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे, और उसके बाद जो भिंडियाँ हैं भिंडियाँ हमने इसमें फ्राई करनी है। तेल जो मेरा अच्छे से गर्म हो गया, अब बारी है इसके अंदर भिंडियाँ डालने की। और ये रही भिंडियाँ, भिंडियों को मैंने किस तरह से काटा है आप लोग ये भी देख लें। और ये 1 किलो भिंडियाँ हैं जो कि अब मैं इसमें डालूँगी। यहाँ पे भिंडियाँ होगी मेरी अच्छी तरह से फ्राई, आप लोग भी देख रहे होंगे फर्क। पहले जो है जब मैंने भिंडियाँ डाली थी किलो एक साथ तो कितना था, और अब जो है फ्राई होने के बाद थोड़ी सी होगी, पहले से काफ़ी कम होगी। तो अब जो है मैं इन्हें निकाल रही हूँ एक बर्तन में। तो अब जो भिंडियाँ हैं भिंडियाँ इसमें निकाल लेंगे, और जो हमारा तेल है वो तेल हमारी कढ़ाई में ही रहने देंगे, क्योंकि बाकी का जो हमारा सालन का प्रोसेस है वो हमें इसी तेल में करना है। और भिंडियाँ जो है अलग से निकाल रहे हैं ताकि ये जो है भत ना बन जाए, क्योंकि ये घुल जाएंगे अगर ज़्यादा इसी में पकती रहेंगी ना, तो हम लोग इसे भत बनना कहते हैं, तो घुल ना जाए इसीलिए। तो अब जो मैंने सारी अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ बगैर तोड़े। अब आ रही है प्याज की। भिंडियाँ मैंने अच्छी तरह से निकाल ली हैं, बस ये कि एक आध दाना बीज का है, तो खैर वो तो साथ में फ्राई होते रहेंगे। तो प्याज जो है इसमें डाल लेते हैं और इसे जो है हल्का हल्का ब्राउन करते हैं पहले। Thank you.
5 से 10 मिनट लगे हैं प्याज जो है मेरे ब्राउन हो गए, क्योंकि प्याज जो काफ़ी सारे थे तो इसलिए जो एक टाइम लग गया है। खैर प्याज हो गए हैं ब्राउन, आप लोग देख लें कि मैंने हल्के हल्के ब्राउन किए, बहुत ज़्यादा भी नहीं किए। और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन, और इसी के साथ में मैंने जो है साबुत धनिया वो भी साथ में पीसी हुई है, तो ये डाल के अब इसे भी जो है 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। तो लहसुन को मैंने 1 से 2 मिनट जो है फ्राई कर लिया, और अब 2 अदद टमाटर जो कि मैंने बारीक काटे हुए हैं अब ये इसमें डालेंगे। अब बारी है चिकन की, चिकन है यहाँ पे 1/2 किलो जो कि अच्छी तरह से वॉश किया हुआ, और इसकी जो बोटियों के टुकड़े हैं वो भी हमने पहले ही कर लिए हैं। टमाटर जो है यहाँ पे थोड़े से वो भी गल गए हैं, तो अब जो है चिकन इसमें डाल देते हैं। अब बारी है मसालों की, चिकन को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पहले सबसे पहले मैं डालूँगी 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, साथ में डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च। आप लोगों को भी पता है, आप भी कहते हैं कि ये लोग जो स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं और ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये हमारे घर में होता ही है। तो मैंने जो अपने हिसाब से पकाया है, बाकी अगर आप लोग ये डिश ट्राई कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मसाला ऊपर नीचे जो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि चिकन जो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि ऐसी तो मैं इसमें भिंडी ऐड नहीं कर सकती। चिकन जो अब अच्छी तरह से गल जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अभी इसे देते हैं ढक्कन, और ढक्कन देने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही दम देते हैं हल्की हल्की आंच पे, ताकि चिकन में जो भी हल्की ताकि चिकन में जो है हल्की सी भी गुंजाइश ना रहे, वो अच्छी तरह से गल जाए, और बाकी जो इसकी भुनाई वगैरह होगी वो हम बाद में करेंगे, पहले इसे देंगे दम। अभी जो है सालन पक रहा है, और मैंने जो 10 मिनट का ब्रेक लिया है, तो मैं सोचा जो भी सारा सामान है वो सारा जो सामान इकट्ठा करके घर में रख लेती हूँ, तो घर में मैंने रख दिया है। और यहाँ पे जो है मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, तो मैंने कहा जो 10 मिनट जो इधर से उधर टहल ही लेते हैं। वैसे वहाँ बैठ बैठ के गर्मी में अपना दिमाग खराब, वैसे भी वहाँ बैठ बैठ के गर्मी में जो है गर्मी लगनी है हमें, और तो कुछ नहीं होना, तो मैंने कहा चल थोड़ा टहल लेते हैं। तो अभी जो है मैं अपनी ज़मीनों की तरफ खड़ी हूँ, और हमारी जो गंदम है माशाल्लाह से उसकी कटाई हो गई है। और ये देखें, यह है दादाजी की गंदम, आपको मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाई थी, ये जो है सूख रही थी, और इनकी जो कटाई मैंने कहा था कटाई होने वाली है, तो कल रात में जो एक गंदम काटने वाली मशीन आई थी और यहाँ पे जो है सारी की सारी गंदम की कटाई कर दी थी। और देखें यहाँ पे जो है गंदम के कुछ गड्ढे जो है बांध दिए हैं, लेकिन आगे की साइड पे जो है कुछ गंदम अभी बांध नहीं है। देखें देखें गंदम यहाँ पे बनी हुई है, इसके ऊपर बैठे हैं तो मज़ा भी बढ़ाता है झूला झूलने में ना, और आगे की साइड में जो है वो सारी अभी बांधनी है। तो अभी जो है यहाँ पे छुट्टी होगी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपको पता है टाइम ज़्यादा हो रहा है, 6 बज गए, तो जो है यहाँ पे छुट्टी होगी। अब जितनी भी गंदम बांधने वाली बची है वो कल बांधेंगे, और दादाजी भी अभी थोड़ी देर पहले तक यहीं पर चलपाई डाल के बैठे हुए थे, नज़र रख रहे थे इधर उधर बच्चों पर, तो आपको पता है बच्चे शैतान होते हैं जो है थोड़ी बहुत फसलों की बर्बादी भी कर लेते हैं, तो इसलिए जो दादा जान यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी अभी वो घर पर गए हैं, नहीं तो आपकी जो मुलाकात है हम दादा जान से भी करवा देते। तो खैर अभी चलते हैं हम सालन की तरफ, और सालन पहले देखते हैं कि ये ना हो कि जल गया हो, क्योंकि ज़िम्मे तो वैसे मैं फिरोज़ के लगा के आई थी, लेकिन आदमियों को तो वैसे भी बस अल्लाह ही मालिक है, उनको अपने मूड की बर्बाद होती है। यहाँ पे जो है दादा जान का लेला देख रहा है, मैं इसके पास आई खड़ी हुई तो मुझे देख रहा है कि शायद मुझे कुछ खिलाने आई, आपके लिए मैं लेके आती हूँ कुछ। और यहाँ पर जो है ये बछड़ा, तो खैर मैं सालन जो उस तरफ बना रही थी वहीं पर चलते हैं। तो पानी जो है अच्छी तरह से सूख गया है, और जो गोश्त था मेरा चिकन वो भी गल गया है, तो अब जो है मैं इसे भून रही हूँ। यहाँ पे देखें बस भूनी भी जो है अभी कंप्लीट होने वाली है मेरी, तो 5 मिनट तो हो गए वैसे मुझे भूनते हुए, लेकिन ये तो फिर भी भून रही ताकि इसकी जो माचिस से आप खेलो जलाना नहीं माचिस का सारा मसाला इसमें उतार के फेंक दिया, माचिस भी कहाँ है मिट्टी भर के लाई हुई है इसके काम। अच्छा खेलो आप जाओ खेलो, अच्छा खेलो जाओ। तो हानिया तो खेलती रहेगी, जब तक हानिया खेली तब तक जो मैं इसे भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। भिंडियाँ मैंने फ्राई की थी, और भिंडियाँ और साथ में जो आपकी ग्रीन मिर्ची हैं वो भी नज़र आ रही हैं, तो ये सारी की सारी जो मैं इसमें डाल दूँगी। और जो भिंडी वाला ऑयल था जो भिंडियों की फ्राई के साथ इसमें आ गया था, वो भी जो सारा एक ही दफ़ा चले गया है, तो अब जो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले, देखें इस तरह से, ताकि मसाला और भिंडियाँ अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाएँ। पानी ऐड कर रही हूँ, जितनी आपने बनानी हो आप उस हिसाब से उतना ही पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं बनानी तो आप जो वहीं पे उसे दम देके
जो उसमें थोड़ी बहुत कसर है वो वैसे ही गला सकते हैं। तो मैंने जो बनाई थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, और पानी डालने के बाद अब मैं इसे दे दूँगी दम। दम ऐसे ही मैं दूँगी 4 से 5 मिनट, ताकि जो भी बोटियों में थोड़ी सी कसर है या भिंडी में थोड़ी बहुत कसर है वो जो है अच्छी तरह से गल जाए, और उसके बाद जो हमारा भिंडी और चिकन है ये मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। बाकी जो भी फाइनल लुक होगी मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में दिखा दूंगी, बस 4 से 5 मिनट इंतज़ार कीजिए। फाइनली मेरी जो भिंडी और चिकन था वो मज़ेदार से यहाँ पे तैयार हो गया है, और आप लोग देखें इसकी फाइनल लुक। बाकी इसे डिश आउट करके मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी। तो ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की सी ग्रेवी है, बिल्कुल सूखा सूखा सालन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो गया है, और भिंडी और चिकन की जो सब्ज़ी है ये सहरी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि एक तो ये हेल्दी फूड है, और सहरी के टाइम में ये फ़ायदेमंद इसी रहता है क्योंकि जब हम इसे खाते हैं तो ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है, और इससे जो हमारी प्यास की कमी है तो प्यास हमें ज़्यादा नहीं लगती है पूरे दिन रोज़े में ना। तो ये जो है मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, बाकी आप लोग भी आजमा लें कि भिंडी की सब्ज़ी हो या भिंडी चिकन हो जो भी हो वो सहरी में ट्राई करें, और उसके बाद जो रोज़े का दिन है वो आपका कैसा गुजरता है मुझे बताएं। मेरे हिसाब में तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है सहरी के हिसाब में, बाकी आप लोग ने बताना है ट्राई करके। तो खैर आज की जो मेरी रेसिपी थी ये तैयार होगी, आप बताने आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अभी जो घर चलते हैं और घर चल के इसे डिश आउट करते हैं, और जो सारे घर वालों को है उन्हें भी जो जाके खिलाते हैं। तो ये है हमारी फाइनल लुक भिंडी और चिकन की, जो कि देखने में तो बड़ी ही मज़ेदार लग रही है। लेकिन अब जो है चलते हैं और पहले रोटियां पकाते हैं, और बाद में जो है इसे जो है सबको भी चिखाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसी एक प्लेट में डाला, मैंने कहा चलें आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं, और जो भी बस खाना वगैरह होगा वो तो फिर बाद में ही होगा, पहले से जल्दी जल्दी रोटी पकाते हैं और फिर जो है हम सब इसे खाएँगे। और खाने के बाद आप लोगों को ज़रूर बताएँगे कि हमें कैसा लगा है, आप लोगों ने बताना आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। मौका दे तो उम्मीद है वैसे मुझे कि आप लोगों को मेरी आज की जो रेसिपी है पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी में या किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।